हेलो एवरीबॉडी, आज जो टॉपिक हम कवर करने जा रहे हैं वो है पैरोल इन इंडिया, जिसके अंदर हम कवर करेंगे ड्यूरेशन ऑफ पैरोल को, प्रोसीजर ऑफ ऑब्टेनिंग पैरोल को, और उसके साथ ही हम देखेंगे कि ऐसे कौन से कॉन्विक्ट्स हैं जो कि इनएलिजिबल हैं कि उनको पैरोल दी जाए। पैरोल एक टेम्प्ररी या फिर परमानेंट रिलीज है प्रिजनर की। यहाँ पर उसे उसकी सज़ा की समय अवधि के ख़त्म होने के पहले ही छोड़ दिया जाता है, और शर्त यही रहती है कि अगर वो बाहर जाकर अच्छा बिहेवियर करेगा और एक अच्छे सिटीज़न की तरह रहेगा तो ही उसे इस तरह से छोड़ा जाएगा। भारत में पैरोल को एडमिनिस्टर किया जाता है उन रूल्स के हिसाब से जो कि प्रिजन एक्ट 1894 में दिए गए हैं और प्रिजनर एक्ट 1900 में दिए गए हैं। भारत के हर एक राज्य के पास में उसके अपने पैरोल रूल्स होते हैं। स्टेट टू स्टेट अगर देखा जाए तो उसके अंदर माइनर ऑल्ट्रेशंस होते हैं, बाकी सबके जो रूल्स होते हैं हर स्टेट के वो ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं। पैरोल को दो मेजर टाइप्स के अंदर डिवाइड किया जा सकता है, कस्टडी पैरोल और रेगुलर पैरोल। कस्टडी पैरोल सिर्फ इमरजेंसी सर्कमस्टेंसेस के अंदर दी जा सकती है, जैसे परिवार में किसी की मृत्यु हो जाना, शादी होना, या फिर परिवार के किसी सदस्य का सीरियसली इल हो जाना। कस्टडी पैरोल सिर्फ 6 घंटे के लिए दी जा सकती है। कैदी के पास सिर्फ 6 घंटे का समय होता है कि वो जगह पर जाए और जो भी उसको काम करना है, जो भी डिज़ायर्ड प्लेस है वहाँ पर जाए, जो भी उसको जिसको भी विजिट करना है करे और वापस आ जाए। जब भी किसी कैदी को कस्टडी पैरोल पर छोड़ा जाता है तो जो पुलिस कॉन्स्टेबल्स हैं वो उसके साथ में जाते हैं और उसे वापस भी लेकर आते हैं। पैरोल दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, इसका फाइनल डिसीजन सुपरिटेंडेंट ऑफ जेल लेता है। रेगुलर पैरोल की जो समय अवधि होती है वो मैक्सिमम 1 महीने की होती है। रेगुलर पैरोल किन ग्राउंड्स पर दी जाती है उसको हम ऑलरेडी एक वीडियो में कवर कर चुके हैं, जिसकी लिंक आपको ऊपर दिखाई दे रही होगी। ऐसे कॉन्विक्ट्स जिनने कम से कम 1 साल की इम्प्रिजनमेंट को कंप्लीट किया है वो हकदार होते हैं कि उनको रेगुलर पैरोल दिया जाए, पर यहाँ पर भी कुछ एक्सेप्शंस दिए गए हैं। कुछ कॉन्विक्ट्स ऐसे होते हैं जो कि एलिजिबल नहीं होते हैं कि उनको पैरोल पर रिलीज़ किया जाए। ऐसे प्रिजनर्स जो कि किसी ऐसी क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व थे जो कि स्टेट के अगेंस्ट थी, ऐसे प्रिजनर्स जो कि नेशनल सिक्योरिटी के लिए एक थ्रेट हैं, ऐसे कैदी जो कि भारत के सिटीज़न नहीं हैं। इसके साथ ही ऐसे कैदी भी जिनने मल्टीपल मर्डर्स करे हैं या फिर मर्डर और रेप किया है किसी चाइल्ड का, और साथ ही जो चिल्ड्रन होते हैं उनको भी एग्जेम्प्ट किया जाता है पैरोल से। इसके बावजूद भी अगर जो ग्रांटिंग अथॉरिटी है वो अपनी डिस्क्रिशनरी पावर को इस्तेमाल करके ऐसे लोगों को भी पैरोल ग्रांट करना चाहे तो वो कर सकते हैं। प्रोसीजर ऑफ ऑब्टेनिंग पैरोल। जो भी कॉन्विक्ट होता है उसे पैरोल के लिए एक एप्लीकेशन, एक पिटिशन फाइल करना पड़ता है। जो जेल अथॉरिटी है, दैट मीन्स द सुपरिटेंडेंट, वो एक रिपोर्ट मांगते हैं पुलिस स्टेशन से, जिस पुलिस स्टेशन के द्वारा ऐसे कैदी को अरेस्ट किया गया था। एक रिपोर्ट मांगी जाती है जिसके ना सारे नेसेसरी पेपर्स होते हैं, जैसे केस हिस्ट्री ऑफ कॉन्विक्ट, उसका व्यवहार कैसा है प्रिजन में, इसके साथ ही उसकी मेडिकल रिपोर्ट अगर उसको कोई इलनेस है। अगर व्यक्ति पैरोल पर इसलिए जाना चाहता है क्योंकि उसको कोई बीमारी हो गई है तो यहाँ पर उसको अपनी मेडिकल रिपोर्ट फर्निश करनी पड़ेगी, उसके बाद ही वो पैरोल पर जा सकता है। ये सारी रिपोर्ट्स कलेक्ट करी जाती है सुपरिटेंडेंट के द्वारा। एक बार जब रिपोर्ट को कलेक्ट कर लिया जाता है तो जो रिपोर्ट है वो डिप्टी सेक्रेटरी होम जनरल स्टेट गवर्नमेंट के पास जाती है। फिर वे डिसाइड करते हैं कि यहाँ पर पैरोल की एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करना है या फिर रिजेक्ट करना है। कुछ स्टेट्स में ऐसा भी किया जाता है कि जब एक बार रिपोर्ट को कलेक्ट कर लिया जाता है तब रिपोर्ट, एप्लीकेशन और रिकमेंडेशन को इंस्पेक्टर जनरल ऑफ प्रिजन के पास में भेजा जाता है। इसको फर्दर फॉरवर्ड किया जाता है डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के पास। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट कंसल्टेशन लेते हैं स्टेट गवर्नमेंट से और उसके बाद अपना निर्णय लेते हैं। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट फिर जो एप्लीकेशन है उसको एक्सेप्ट भी कर सकते हैं और रिजेक्ट भी कर सकते हैं। तो आज जो हमने टॉपिक कवर किया वो है पैरोल इन इंडिया। इसमें हमने कवर किया ड्यूरेशन ऑफ पैरोल, कॉन्विक्ट्स दैट आर नॉट एलिजिबल फॉर बीइंग रिलीज्ड ऑन पैरोल, और द प्रोसीजर ऑफ ऑब्टेनिंग पैरोल।